महावीरेश्वर शक्ति विद्या मंदिर विजय हाता सीवान के वर्चुअल क्लास में आप सारे बच्चों का स्वागत है। सभी भैया बहन आज सीखेंगे फिजिक्स को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फिजिक्स के हिसाब कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग आज विचार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या कि जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको पहले 2 बार से 3 बार तक हम पढ़ेंगे और पढ़ करके उसके मीनिंग्स को पूर्णतः समझेंगे और समझने के बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे और फिर हम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या कि यह क्या वह बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर वह एक्सेलरेट हो रहा है तो उसमें टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। अगर वह एक्सेलरेट नहीं हो रहा है यानी एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हम उसमें एफ इज इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल मेथड का हम यूज़ करते हैं और पहला एग्जांपल है ये आपके बोर्ड पर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में कहा गया है कि एक सीलिंग है और इसमें एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है m है। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे ऑलरेडी जो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है t, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन है? नहीं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, ए इज इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, दैट इज टी इज इक्वल टू एम जी। इस मेथड से हम टेंशन निकाल लेंगे, इस मेथड का यूज़ कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में क्या है भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक सीलिंग है और इसमें 3 ब्लॉक लगे हुए हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, तीनों का मास दिया हुआ है m1, m2 एंड m3। हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या? तो निकालने का तरीका यह है, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे इसका। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखते हैं भाई, पहले यहाँ लिखेंगे FBD फॉर M3, यहाँ लिखेंगे FBD फॉर M3। M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए, ठीक है। तो कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक हम ब्लॉक लेंगे, इसका मास M3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना दिया हुआ है, M3 दिया हुआ है। नीचे फोर्स कितना लगेगा, M3G लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, T3 लगेगा। हम ज़ूम कर लिए कि इसमें लग रहा है T3 टेंशन, इसमें लग रहा है T2 टेंशन, इसमें लग रहा है T
T1 टेंशन। तो हम T3 ले लिए ऊपर, नीचे है M3G। क्या बॉडी में एक्सेलरेशन है? नहीं, A=0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? T3 - M3G = 0। तो T3 = M3G हो जाएगा। ये मेरा पहला हो गया। इसी तरह से अब M2 के बारे में बात करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2, यहाँ लिखेंगे FBD फॉर M2। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इसमें क्या देखते हैं? तो इसमें देखते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास M2 है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है M2G, ऊपर की ओर लग रहा है T2, और फिर नीचे लग रहा है T3। यहाँ पर T3 जो है ऊपर की ओर भी लग रहा है और नीचे की ओर लग रहा है। शुरू में मैं बताया था कि टेंशन जो होता है हमेशा दोनों डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड भी लगेगा और डाउनवर्ड भी लगेगा, यानी ये इसको नीचे की ओर खींचेगा। यानी यहाँ पर जो टेंशन लगेगा ऊपर की ओर भी लग रहा है और नीचे की ओर भी लग रहा है। तो यहाँ पर ये T3 डाउनवर्ड में लगेगा। तो क्या बॉडी में एक्सेलरेशन है? तो नहीं है। जब नहीं है तो इसका इक्वेशन क्या होगा जी? तो ऊपर की ओर देखते हैं कि T2 है, नीचे क्या है? T3 है, और क्या है? तो M2G है, और इस सबका सम कितना हो जाएगा? 0 होगा। चूँकि ये T3 M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस सिंबल का यूज़ किए हैं। दूसरी बात है, इसमें से T2 हमें निकालना है। T2 = हो जाएगा T3 + M3G हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा M2G हो जाएगा। तो T3 का वैल्यू हमको आया हुआ है M3G + M2G, ये मेरा वैल्यू हो गया T2 का। T2 = मेरा आ गया M3G + M2G। अब हमें निकालना है M1 का। तो यहाँ लिख देंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, यहाँ लिख देंगे FBD फॉर M1। M1 के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो M1 में क्या देखते हैं जी? M1 में देखते हैं कि यहाँ M1 है, नीचे फोर्स लग गया M1G, ऊपर की ओर टेंशन लग गया T1, और नीचे टेंशन लग गया T2। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है? नहीं है। A = 0 हो गया। तो मेरा हो जाएगा इक्वेशन T1 - T2 - M1G = 0। तो T1 = हो गया T2 + M1G। T2 का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा M2G + M3G + M1G। इसमें से G को कॉमन कर देंगे तो T = हो जाएगा G M1 + M2 + M3। यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन जो होगा ऊपर वाले में होगा, सबसे कम टेंशन जो होगा वह नीचे वाले में होगा। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप का भी हम लोग और भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको 1x1 करके लिख लेंगे, पॉज करके सब लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा चीज़ है। अब यदि ये टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक ब्लॉक, ये टेबल रखा गया है, इस पर एक ब्लॉक यहाँ है, एक दूसरा यहाँ है, इसी से जुड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है F। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि फोर्स लगा हुआ है, तो जहाँ फोर्स होता है वहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। इसका मास M1 दिया हुआ है, इसका मास M2 दिया हुआ है,
इसका मास m3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में टेंशन हो जाएगा t1, इसके बीच में टेंशन हो जाएगा t2, और यहाँ पर है F फोर्स लग रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टेंशन T1 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू कितना है और F का वैल्यू कितना है, ये हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर देंगे, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ टेंशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है और हमें टेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, नियम क्या है? सबसे पहले हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले नियम ये होता है कि सबका हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे AFBD, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। हम M1 के बारे में सोचते हैं, कैसे सोचेंगे? यहाँ पर एक ब्लॉक बना देंगे, यहाँ पर सरफेस बना हुआ है, यहाँ M1 लिख देंगे। नीचे फोर्स लगेगा M1G, ऊपर लगेगा N1 कर देते हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T1, क्या बड़ी एक्सेलरेशन में? हाँ, बड़ी एक्सेलरेट कर रहा है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। यही है क्या है जी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर लगेगा। इसलिए हम देखते हैं क्या कि इसमें टोटल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ लिख देंगे सिंस AY इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर N1 माइनस M1G इज इक्वल टू 0, देयरफॉर N1 इज इक्वल टू M1G। N1 का वैल्यू इतना आ गया। अब एक्स एक्सिस की ओर बात करेंगे तो EX का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, E दिया हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा जी? फोर्स देखते हैं, T1 लग रहा है, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1A। T1 का वैल्यू हो जाएगा M1A। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का, बनाएंगे M2 का, लिखेंगे FBD फॉर M2, लिख दिया। M2 का एक फोटो बना दिया, यहाँ पर बॉक्स बना दिया M2, M2 हो गया। नीचे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है M2G, ऊपर नॉर्मल लग रहा है N2, इधर फोर्स लग रहा है T2, इधर फोर्स लग रहा है T1, बॉडी जा रहा है किधर? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। क्या अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, तो बॉडी ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। तो लिखेंगे AY इज इक्वल टू 0, यानी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। देयरफॉर N2 माइनस M2G इज इक्वल टू 0, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M2G। N2 का वैल्यू हमको आ गया। अब हम देखते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होगा जी? इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, बॉडी राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, सो नेट फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन इजकल टू एम टू ए। तो टी वन का वैल्यू हमको आ गया है, या इस डायरेक्शन राइट साइड में जाएगा तो टी टू हो जाएगा एम टू ए प्लस एम वन ए। कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा दैट्स इक्वल टी टू इजकल टू एम कमन कर दीजिए एम वन प्लस एम टू, ये टी टू का वैल्यू निकल गया। अब हमें एफ का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा एफ बी डी फॉर एम थ्री। एम थ्री के लिए कितना हो जाएगा? एम थ्री के लिए हो जाएगा, यहाँ एक बॉक्स बना देंगे, इसका नाम लिख देंगे एम थ्री, ठीक है। इस पर फोर्स लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है टी टू लग रहा है, इधर टी टू लग रहा है। तो कितना हो जाएगा जी? नीचे फोर्स लग रहा है एम थ्री जी, ऊपर लग रहा है एम थ्री। तो क्या बॉडी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ए वाई इजकल टू ज़ीरो, और तो एन थ्री माइनस एम थ्री जी इजकल टू ज़ीरो। तो एन थ्री का वैल्यू हो गया एम थ्री जी, एन थ्री का वैल्यू मेरा आ गया एम थ्री जी। क्या यह एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? हाँ, एक्सेलरेट हो रहा है, यह ये एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? तो ए दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा? ए दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा एफ माइनस टी टू इजकल टू एम थ्री ए, यह हो जाएगा एम थ्री ए हो जाएगा। इस डायरेक्शन में टी टू का वैल्यू दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में चला जाए, राइट साइड में इसको ले जाएंगे तो एफ इजकल टू जो हो जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस एम थ्री ए। ए को कमन कर दीजिए, एफ इजकल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो इस तरह से हम फोर्स का वैल्यू निकाल दिए। तो न्यूमेरिकल बनाने में सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद उसका नॉर्मल देखेंगे, वाई डायरेक्शन में देखेंगे टोटल फोर्स कितना है, नहीं उसके लिए देखेंगे क्या बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू जो होगा टोटल फोर्स इजकल टू ज़ीरो हो जाएगा। टोटल फोर्स में देखते हैं जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, वाई डायरेक्शन में जो लिया जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं, और सबका सम कर देंगे, सबका वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे। अब यदि एक्स डायरेक्शन में अगर इसी तरह से हो रहा है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो समेशन ऑफ फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका हम लोग मास टाइम एक्सेलरेशन से निकाल लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ, और भी एग्ज़ाम्पल्स इसके हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे एक होगा टेंशन निकालने का क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है फाइंड द टेंशन, एक फोटो बनाया हुआ है, फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बना हुआ है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है हमें, स्ट्रिंग बना करके दिया हुआ स्ट्रिंग में निकालना है। तो कैसे है फोटो जरा देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है,
यहाँ से एक ब्लॉक ब्लॉक इसमें लटका हुआ है, इसका मास 30 kg दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 37 degree दिया हुआ है। तो हमें इस तीनों स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। अगर इसका नाम हम कर दें कि इधर टी ए है, इधर टी बी है और इधर जो है टी सी है, ये इसका हमें निकालना है। एम दिया हुआ है 30 kg है, जी का वैल्यू हम 10 लेंगे, तो इसका हम लोग टेंशन कैसे निकालेंगे। तो सवाल है कि जो भी पहला नियम यह है कि जो भी है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबसे देखेंगे कि मेरा एक्शन पॉइंट कहाँ है, टोटल फोर्स लग कहाँ पर रहा है, उस पॉइंट को सबसे पहले हम देखेंगे। तो इसको हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफ बी डी लिखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम कुछ कर दें, मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट नाम ले लिया, ये बी पॉइंट है, नहीं तो लिख देंगे लेट टोटल फोर्स, लेट टोटल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर बात करते हैं। तो बी पॉइंट पर बात करेंगे तो देखिए एक इधर है, नीचे की ओर है और एक इस साइड में, यहाँ पर जो है वो 37 degree है, तो इसका नाम हम लोग लिखे हैं टी ए। अभी इसको रिजॉल्व कर देंगे एक्स डायरेक्शन में, ये मेरा हो जाएगा वाई डायरेक्शन, नहीं ये हो जाएगा एक्स डैश डायरेक्शन। टी ए मेरा है एक्स डायरेक्शन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 37 degree। ठीक है, एक टेंशन इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है। अब इस टी वन को हम लोग टी ए को ब्रेक कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी ए कॉस 37 degree और इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी ए साइन, लिखेंगे टी ए साइन 37 degree, ये हो गया। इधर नाम टी बी रखा हुआ है, टी बी है, नीचे कितना है टी सी है, टी सी दिया हुआ है 300 newton, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। तो इस तरह से हम रिजॉल्व कर लिए। अब देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में मेरा कितना है और एक्स डायरेक्शन में मेरा टोटल फोर्स कितना है। तो पहले बात करते हैं हम वाई डायरेक्शन की, तो लिखेंगे टोटल फोर्स, लिखेंगे चूँकि टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन की ओर देखेंगे, क्या बॉडी में एक्सेलरेशन है, नहीं है, ए वाई इजकल टू जीरो है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, यानी टी ए साइन 37 degree माइनस टी सी इजकल टू जीरो। तो टी ए साइन 37 degree का वैल्यू होता है 3/5 और टी सी का वैल्यू दिया हुआ है 300, ये चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ हो गया 300। तो टी ए इजकल टू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर इसको मिटाइए, टी ए इजकल टू हो जाएगा 300 इंटू 5/3, दैट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 newton। तो टी ए इजकल टू हो गया 500 newton, टी ए का वैल्यू निकल गया, टी सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं पहले से। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, लिखेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, लिखेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होता है जी? एक्स डायरेक्शन में देखते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन है तो नहीं है, यहाँ लिख देंगे ई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कौन कौन सा फोर्स है जी? तो टी ए कॉस 37 डिग्री माइनस टी बी है, दैट्स इक्वल टू जीरो। तो टी बी का वैल्यू निकालना है हमें, तो टी बी चला जाएगा उस जगह। तो टी ए का वैल्यू दिया है 500, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, यह हो गया 4/5, इधर टी बी ले गए तो ये कितना हो गया 100। तो टी बी इज इक्वल टू हो गया मेरा, टी बी हो गया कितना 400 न्यूटन। तो इस तरह से हम देखें कि टेंशन कैसे निकालता है, निकालने का तरीका भी हम लोगों को पता हो गया कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहला काम होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, उसमें हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें किस किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन में देखते हैं कितना फोर्स लगता है, उसके बाद देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो टोटल फोर्स का सम जीरो हो जाएगा, अगर जीरो नहीं है, अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो उसमें हम टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए जितना, एक बात दिमाग में रखेंगे, जितना रस्सी होगा, जितना स्ट्रिंग होगा उतना टेंशन होगा। अब उसको हम लोग रिजॉल्व कर करके सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना बना कर सॉल्व करते हैं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल आपके साथ है।